नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। अब की बार 60 पार का सपना देख रही बीजेपी को दफ्तर में आयोजित बैठक में कई जनप्रतिनिधि बैठक में पहुंचे ही नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब एक घंटे इंतजार करते रहे। पूर्व दायित्वधारियों पूर्व विधायकों की मीटिंग के बाद बीजेपी आज पार्टी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्षों ब्लॉक प्रमुखों मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों की मीटिंग ले रही है, लेकिन इस मीटिंग में जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। नतीजा बेहद कम संख्या को देखते हुए पार्टी को लास्ट मोमेंट में मीटिंग का स्थान था उसको बदलना पड़ा। हालांकि पार्टी का कहना था कि जितने लोग बुलाए गए उतने ही आए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही इस मीटिंग में पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह, सांसद लॉकेट चैटर्जी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद हैं। केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का कहना है कि मीटिंग का उद्देश्य अब की बार 60 पार सीटों का लक्ष्य है, इसलिए सभी को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वजह क्या रही कि जो मीटिंग आयोजित की गई थी वहां पर सभी नहीं पहुंचे जनप्रतिनिधि। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज पहली बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में 100 से ज्यादा लगा हुआ है जो लोग हैं, आने वाले हमारे वरिष्ठ लोग हैं और इस पर विभिन्न हमने विभाग बनाए हुए हैं, सारे विभागों के प्रमुख भी इसमें रहेंगे। आज के बाद जो हमारा चुनाव का जो अभियान है, यानी अभी तक जो चुनाव का प्रबंधन, चुनाव का बाकी संगठन के आधार पर बूथ, ये पन्ना प्रमुख मंडल, ये सब अब हम पब्लिक के अंदर जब अपनी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जा रहे हैं तो हमारी जो प्रबंधक कमेटी है अब इसके माध्यम से हम सारे अपने विभागों को आज से वो संभालेंगे। आज हमारा पहली बार चुनाव डिटेल में चुनाव मैनेज हर एक क्षेत्र में कैसा चले, कैसा करना चाहिए, वो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको विश्वास में लेके हम इस बार 60 बार ये जो हमारा एक लक्ष्य है वो लक्ष्य पारित करने के लिए आज पूरा दिन विभिन्न स्तर का। और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, आखिरकार वजह क्या हुई जो जनप्रतिनिधि पार्टी बैठक जो बुलाई गई थी बीजेपी की उसमें पहुंचे ही नहीं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। केंद्रीय चुनाव प्रभारी और जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं प्रहलाद जोशी अपनी टीम के साथ आज देहरादून में थे और जनप्रतिनिधियों की पहली बैठक थी जिसमें पंचायत व नगर निकाय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। तय संख्या से इनकी संख्या आधी भी नहीं पहुंची तो करीब एक घंटे मीटिंग को होल्ड किया गया और बाद में बैठक हॉल से पहले फ्लोर पर ट्रांसफर कर दी गई छोटे हॉल में। हालांकि पार्टी खुलकर स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन सोर्स से बताते हैं कि लोगों की कम संख्या से बैठक शिफ्ट हुई है। कल शाम को जो पूर्व दायित्वधारियों की बैठक थी, पूर्व विधायकों की बैठक थी, उसमें संख्या आधी से भी कम थी। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड भाजपा में संगठन स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कार्यकर्ताओं में तो जो नाराजगी हम देखते थे वो तो थी ही, दायित्वधारियों और मौजूदा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, आक्रोश है। लिहाजा संख्या पर्याप्त ना होना सीधे तौर पर इशारा करता है कि भाजपा में ऑल इज नॉट वेल। बहरहाल भले ही पार्टी ये दावा अभी भी कर रही है कि अब की बार 60 पार यानी 60 से अधिक सीटें वो जीतने जा रही है। ऐसे में कैसे 60 पार होगा जब बैठक बुलाई जाती है, केंद्रीय मंत्री जिनको प्रभारी बनाकर भेजा जाता है राज्य सरकार के पास यानी उत्तराखंड में भेजा जाता है, बैठक बुलाते हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता है, तो क्या पार्टी से मोह भंग हो रहा है क्या? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। हम अगर कल शाम की बैठक को देखें जिसमें पूर्व दायित्वधारी और पूर्व विधायक बुलाए गए थे, दायित्वधारियों ने खुलकर बैठक में ये इल्जाम लगाया कि साहब तीन तीन बार मुख्यमंत्री बदले गए, कैबिनेट जब वही रिपीट हुई तो हम दायित्वधारियों को मौका क्यों नहीं मिला।
पार्टी यदि हमें अपना नेता मानती है, अपना अपना कार्यकर्ता मानती है, तो बैठक में यदि बुलाती है तो दायित्व क्यों नहीं देती? इस बैठक के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कोविड काल हो गया था, इस वजह से समस्या हुई नए दायित्वधारियों की सूची में। हालांकि मुख्यमंत्री तीन तीन बदले, इस पर वो कुछ नहीं बोले। और मदन कौशिक ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द नए दायित्वधारियों को मौका मिलेगा। अब सवाल ये है कि नवंबर जा चुका है, दिसंबर माह का समय है और जनवरी प्रथम सप्ताह में ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि आचार संहिता लग सकती है, तो अगर नए दायित्वधारी बनाए भी जाते हैं तो समय कम मिलेगा। जहां तक आज की बैठक की बात है तो बैठक में सुबह से एक निरस्ता का आलम था और ये बैठक हालांकि इस वक्त जारी है जिसमें केंद्र के बड़े नेता, बड़े संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन वो उत्साह जैसा माहौल नहीं दिखता जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। जी सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे हम। तो देहरादून में आगामी चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त ही बचा है, ऐसे में बीजेपी संगठन पूरे दमखम से तैयारियों में जुट गई है। वहीं संगठन की तरफ से नाराज चल रहे पूर्व विधायकों और दायित्वधारियों को मनाने की कवायद भी तेज हो गई है, जिससे आगामी चुनाव को फतह किया जा सके। त्रिवेंद्र सरकार में जिन नेताओं को दायित्व सौंपा गया था उनसे दायित्व वापस लेने के बाद से तमाम नेता नाराज चल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जिन लोगों को दायित्व से हटाया गया था वो सभी पार्टी के बड़े नेता हैं और उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका भाई है, इसलिए निश्चित तौर पर उन्हें चुना जाना चाहिए। तो दायित्वधारियों को मनाकर चुनाव फतह करने की तैयारी है। देखिए, संगठन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, क्योंकि प्रदेश चुनाव प्रभारी आए हैं तो निश्चित रूप से उनका एक मन था कि हम हर स्तर के कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे अपने जिले स्तर का कार्यकर्ता हो और पूरे दायित्वधारी हो, उन्होंने संबंध में सब लोगों से चर्चा करना उचित समझा और आज भी उन्होंने पूरे दायित्वधारियों से जो चर्चा करी, क्योंकि निश्चित रूप से वो समझते हैं, संगठन के व्यक्ति रह चुके हमारे प्रभारी जी, उन्हें पता है कि संगठन के दायित्व पर रहते हुए। और देखिए, आश्वासन क्या मिलना, वो तो उनका तो एक दिशा निर्देश था जिससे कि एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सब लोग हैं तो चुनाव में सब मिलजुल करके कार्य करेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। करेंगे अभी क्या करेंगे, जब हटाए गए कोरोना सब चीज थी तो इस कारण से हो सकता है कि दो तीन महीने की तो बात थी, तो ऐसा नहीं लंबी चौड़ी बात नहीं थी, तो इसलिए ये कोई किसी में नाराजगी नहीं है, सब जानते हैं पार्टी के आधार पर, सब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, सब लोग लगे हुए हैं काम में और ताकत के साथ लगे। कई लोगों को लगता है कि उन्हें टिकट कट जाएंगे, तो क्या आश्वासन है उनके लिए? टिकट पार्टी में किसी को मिलेगा, इसमें कोई ये थोड़ा ही है दायित्वधारियों को नहीं मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, जिसे भी टिकट मिलेगा सब उसके लिए लगेंगे कोई भी हो। अरे तो मुझे नहीं मालूम कि उनको मनाने के लिए बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, पर मुझे इतना मालूम है कि उनको हटाया गया है और लेकिन सभी वो पार्टी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नाराजी जैसा या मनाने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे तो मुझे चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने रूठों को मनाने में भी जुट गई है। कार्यकर्ताओं और पूर्व दायित्वधारियों का आरोप पार्टी पर यह है कि यदि पुरानी कैबिनेट रिपीट हुई तो उनको मौका क्यों नहीं मिला, और अब जब चुनाव में 2 माह से भी कम का समय बचा है तो ऐसे में पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देने जा रही है। कुल मिलाकर समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति बहुत आसान नहीं दिखती, जबकि नाराजगी दूर करने के लिए सभी प्रयास हो रहे हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 14 नवंबर को इगास पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दरअसल छठ पर्व पर अवकाश देने के बाद इगास पर्व पर भी अवकाश की मांग उठ रही थी। वहीं इगास को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब इगास पर्व इतवार को पड़ रहा है तो छुट्टी देने का क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सीएम की घोषणाओं का लाभ इगास प्रेमियों को नहीं मिलेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का वादा है इगास पर्व के रूप में मनाया जा सके, इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को प्रचारित प्रसारित करने के लिए हर साल इगास के दिन सरकारी अवकाश रहेगा। साथ ही हरीश रावत ने लोगों को इगास की बधाई भी दी है। कोरी घोषणाओं के क्रम में इस वर्ष इगास मनाने के दिन छुट्टी करने का निर्णय भी कोरी घोषणाओं में सम्मिलित हो गया है, उन्होंने लिखा ट्विटर पर। और 14 तारीख को इगास है, इसी दिन इतवार भी है, अर्थात सरकार की घोषणा का लाभ इगास प्रेमी लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार की घोषणा इसी साल के लिए है। तो अब इगास को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ इगास की छुट्टी का ऐलान किया गया है तो दूसरी तरफ हरीश रावत ने सरकार से सवाल पूछा है कि ऐसी छुट्टी देने का क्या फायदा जब इतवार पड़ रहा है इस दिन,
तो जो इगास मनाने वाले हैं उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ देहरादून से लगातार बने हुए। सुदीप, इगास की छुट्टी तो छुट्टी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हरीश रावत ने ट्वीट कर राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि ऐसी छुट्टी का क्या मतलब जो रविवार को पड़ रहा है और इसका फायदा किसी को होने वाला नहीं। देखिए, चुनाव का वक्त है और हरीश रावत को बहुत बेहतर पता है कि राज्य सरकार को कैसे घेरा जाए, हर छोटे बड़े मुद्दों को राजनीतिक रूप कैसे दिया जाए। देखिए, ये एक इत्तेफाक की बात है कि 14 जनवरी को इगास के दिन दीपावली है, सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया। अब कल ही आप पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने जब छठ पूजा के बाद सरकार पर दबाव बनाया तो सरकार ने इगास का अवकाश घोषित किया। हरीश रावत कह रहे हैं कि यदि रविवार को छुट्टी है तो अवकाश का कोई लाभ नहीं मिलना। अब यदि कोई त्यौहार अवकाश के दिन पड़ रहा है तो इसमें सरकारों के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, वो दिन भला कैसे बदल सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मुहिम थी, जिसके बाद ईगास, जिसे कि कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, इस पर ये अवकाश मिला है। लेकिन ये बात सही है कि त्यौहार पर भले ही अवकाश आया हो और लोगों को भले ही रविवार के दिन ईगास मनानी हो, लेकिन अब इस पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है और हरीश रावत ने इसकी शुरुआत की है अपने ट्विटर सोशल मीडिया पोस्ट से, और वो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भी लपकना चाहते हैं। जी, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है। अब दूसरी पार्टियों को ये लग रहा है कि इगास पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, सरकारी छुट्टी, तो ऐसे में आमजन के बीच बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। और इसी को लेकर ये तमाम पार्टियां, कुछ पार्टी ये दावा कर रही है कि उन्होंने इस पर दबाव बनाया था, इसी वजह से छुट्टी दी गई, तो कुछ इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि राजनीतिक दलों को पता है कि करीब 2 माह का समय बचा है चुनाव में, ऐसा कोई भी मुद्दा जो जनभावनाओं से जुड़ा है उस पर वो राजनीति करने से नहीं बाज आ रहा है, इसीलिए राज्य सरकार के ईगास अवकाश पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हरीश रावत का अपना अंदाज है, तो आप पार्टी जो राज्य की राजनीति में प्रवेश कर रही है और हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखती है, कुल मिलाकर जो भी राजनीति हो, लेकिन इगास छुट्टी जो घोषित की गई है सरकार की तरफ से, उसका कितना फायदा मिलेगा सरकार को, क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, जनभावनाओं को सरकार को पता है, छठ पूजा की छुट्टी के बाद ही सोशल मीडिया पे कई तरीके की प्रतिक्रियाएं छठ पूजा को लेकर चल रही थी कि पहाड़ में छठ पूजा के अवकाश का क्या मतलब है, ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का त्यौहार है, और कई तरीके के कमेंट्स भी थे जिसको देखते हुए सरकार भांप चुकी थी सोशल मीडिया के ट्रेंड को। लिहाजा कल मुख्यमंत्री ने गढ़वाली भाषा में ट्वीट किया, या उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ यूं कहें, और अवकाश की जानकारी दी गई, तो निश्चित तौर पर सरकार को पता है चुनाव करीब है, लिहाजा कोई मौका चूकना नहीं चाहती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इगास की छुट्टी घोषित होने के बाद उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। सरकार ने इगास के दिन सार्वजनिक अवकाश रखने का फैसला किया है, हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद उनका करते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ कि इगास को और धूमधाम के साथ मनाया जाए, और मैंने ये भी फैसला लिया है कि मैं अपने गांव में जाकर इगास को मनाऊं, और मैं लगातार मेरा सब लोगों से ये आह्वान भी रहा है कि अपने पैतृक गांव में जाके इगास को मनाया जाए। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी प्रवासी संस्थाएं हैं और देहरादून और आसपास के उत्तराखंड की बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने इगास के दिन उत्सव मनाने का फैसला लिया, और मेरे को आमंत्रण भी उसके लिए कई जगह से आए हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, इस इगास को मैंने फैसला लिया कि मैं अपने पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव में जाऊंगा। आप सब लोगों से भी, उत्तराखंड के लोगों से मेरा आग्रह है कि वह भी इगास के दिन अपने पैतृक गांव में जाएं, तो अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और बल मिलेगा। मैं पुनः एक बार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का इस फैसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बढ़ते आगे, कांग्रेस ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में विजय शंखनाद रैली की। इस रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजय शंखनाद रैली में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय शंखनाद रैली की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तुतरी बजाकर की। इस दौरान पूर्व मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार में दलितों, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ उत्पीड़न का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अफसर शाही हावी है, अफसर किसी मंत्री या विधायक की नहीं सुनते। ये विजय शंखनाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सिहनाद है, ये कांग्रेस की विजय का सिहनाद है, ये आम उत्तराखंडी व्यक्ति की विजय का सिहनाद है, ये उत्तराखंड के नवनिर्माण का सिहनाद है, ये गरीब मजदूर, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के कल्याण का सिहनाद है। ये सिहनाद एक ऐसे उत्तराखंड के निर्माण का है जिस जो हमारे राज्य आंदोलन की भावना का सिहनाद। विजय संकल्प संख्या रैली को आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जनता ने मन बना लिया है, हजारों हजार की तादाद में आज यहाँ पर मातृशक्ति, युवा, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की पराजय सुनिश्चित है और यह 2022 के चुनाव में स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय। जन समूह जो प्रत्येक जगह से आज हल्द्वानी में हमारे इस कार्यक्रम के लिए आया है, वो इस बात का प्रतीक है कि 2022 में लोगों की मंशा वापस कांग्रेस को सत्ता में लाने की है और भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को जिस प्रकार से पीछे धकेलने का काम किया, हर एक व्यक्ति की आवाज़ को दबाने का काम किया, हर एक व्यक्ति की उम्मीद पर तुषारापात किया, उसका परिणाम है कि लोग अब कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। देहरादून में आप प्रवक्ता नवीन पिशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भगवंत मान के 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे की जानकारी दी। 15, 16 और 17 नवंबर को किसान संकल्प यात्रा में भगवंत मान हिस्सा लेंगे। उधम सिंह नगर में किसान संकल्प यात्रा निकालेंगे। तो भगवंत मान के 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे की जानकारी दी नवीन पिशाली ने। आपको बता दें कि भगवंत मान जो 15, 16 और 17 नवंबर को किसान संकल्प यात्रा में भाग लेंगे और उनके दौरे की जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नवीन पिशाली ने भगवंत मान के दौरे की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको पता है, अखिल भारतीय किसान आंदोलन को समर्थन देती आई है और इसी संदर्भ में 15, 16, 17 तारीख को खटीमा से, जसपुर से लेकर खटीमा तक किसान संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी निकालने जा रही है। इसमें हमारे सांसद और जननेता भगवंत मान जी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लंबे समय से इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों की आड़ में कृषि को व्यवसाय बनाना चाहती है, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये संभव नहीं है, जहां की धार्मिक परंपरा भी कृषि से आधारित है, क्योंकि कृषि भूमि से जो उपजता है, भूमि की उपज को हम प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे देश में जहां कृषि से जुड़ाव है सभी लोगों का, हमारे त्यौहार, हमारे व्रत भी भूमि से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं, चाहे वो ओणम हो, चाहे बिहू हो, वैसाखी हो, तो ऐसे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। सरकार अपनी नीतियों से भटक गई है, ये सरकार की तानाशाही है, सरकार को कृषि कानून जल्दी से जल्दी वापस। देहरादून में आरटीओ विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि विभाग की तरफ से आई रेड ऐप यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस की शुरुआत की गई है। इस ऐप के जरिए अगर कहीं दुर्घटना हुई हो तो उस एक्सीडेंट की रियल टाइम सूचना पुलिस सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को मिलेगी और उसके बाद टेक्निकल टीम को दी जाएगी। दुर्घटना के कारणों का एग्जैक्ट डेटा पुलिस की मदद से आरटीओ के पास आएगा। इस दौरान आरटीओ को भी मौके पर इसकी जानकारी मिलेगी और आरटीओ मौके पर मौजूद भी रहेंगे। फिर सारा डेटा पीडब्ल्यूडी विभाग और हेल्थ विभाग के पास पहुंचने पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। डेटाबेस ऐप है जिसमें हमारा जो भी एक्सीडेंट होगा उसमें रियल टाइम सूचना हमारे सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट उनके द्वारा भरी जाएगी। उसके तुरंत बाद हमारी टेक्निकल टीम होती है जिसमें हमारे आरआई के साथ हमारे एआरटीओ जाते हैं और जितने भी उसमें फील्ड्स होंगे भरे जाएंगे, किन कारणों से
एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर की लापरवाही थी, रोड में दिक्कत थी, तो वो सारे पुलिस से आने के बाद हमारे पास आएगा। हमारे यहाँ से डेटा भरने के बाद वो PWD डिपार्टमेंट के पास जाएगा और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, ताकि तुरंत इसमें उसमें कार्रवाई की जा सके, और साथ ही ये डेटा रियल टाइम पे भारत सरकार के पास भी पहुंच जाएगा इसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।